जी सारिया नूं अज आपां तुहानूं दस्सांगे अमरेला कट की फ्राक की कटिंग। ये अपने कोले रेयोन का कपड़ा है, बड़े आर्ज च है, 3.5 मीटर कपड़ा है। अज आपां अमरेला कट की फ्राक दस्सांगे बिना जोड़ तो वधिया नीचे खुले घेर वाली। चलो दस दें जिहड़ा ये नाप हैगा, ये हैगा 41 इंच कमीज की लेंथ हैगी, इन्ना का नाप हैगा। ये तो घेरा हैगा 20 इंच, कमर हैगी छाती हैगी 19.5, कमर 18। वो हिसाब न आप फ्राक तैयार करते हैं, फिर तुम दस दें भी ये कटिंग किदा आती है। आ जाओ तो आप निशानी लावे 42 इंच, तो देखो 42 इंच इन कपड़े में इतों फट के उधर भी आप 42 इंच लावे एक निशानी इधर भी साइड, ताकि अपना कपड़ा सारा बराबर हो गया। जिनी वो कमीज की लेंथ है उन्नी निशानी लाई आप पूरी 42 इंच। फिर हम दसागे कि उपरली बाडी किमें तैयार करनी है, वो किमें ये घटाना है घेरा जो पूरे 42 इंच के निशानी ला। ठीक है जी, हूँ आपको इन्हों फट लेंगे कपड़े में बिल्कुल बराबर कर लेंगे। ठीक है, अपने लेंथ लेती थी वो तो यह अपने चौरा कर लिया कपड़ा, देखो तकोना कर लिया चौरा, इतों फट के 42 इंच तो इतने तक कर ली 42 इंच आ गया। हूँ आप इतों ये कमर नापांगे भी किन्नी है, अपन कमर चाहिए जी 18 इंच, 1.5-18 ही है। इतों देखांगे भी किन्ने ते जांदी, इतों आप निशानी लाने 11 ते, अं गोल गोल घुमा के 11 ते निशानी लाने। देखो 1.5-18 ते जा रही है, क्योंकि आप पूरे ही लवेंगे, कोई ज़्यादा मार्जन नहीं लेंगे, एको ही सिलाई हैगी। रेब कट्टन करके 1/2 इंच वध ही जाता बाद चो, हुण आप पूरी पूरी लै ली। ठीक है, कटिंग हुण इदू बाद आप लवेंगे लेंथ, कमीज की लेंथ हैगी 42 इंच, यह आपां नूं चाहीदी है 13 इंच, आप 42 पूरी है उपरों, उहदे विचों 13 इंच 13.5 इंच आपां ने बाडी कढ़नी है, उहदे विचों नीचे वाला माइनस करके रह गया 28.5 इंच। हुण आपां ने नीचे 28.5 इंच फ्राक की लंबाई लैनी है, 28.5 दे विच 2.5 इंच माइनस करना हैगा मार्जन। ठीक है, ये अपना हो गया 31 इंच, देखो पूरा आंदा 31 इंच। इतों एवें गोल गोल निशानी ही लाउणी है, ठीक है, रेवे निशानी लाउणी है 31 इंच दे। देखो ये अपनी हो गई फ्राक तैयार, 1/2 इंच वाढ़ी लग जी, 28.5 इंच रहा, तो 2.5 इंच अपने मार्जन लैके यह 31 इंच नीचे का रहता है, इतों भी रेव काट तो इतों भी रेव काट। बहुत वधिया फ्राक तैयार होती है, ये असी बहुत फ्राकों के नाल दी पहला कर चुके हैं, सानू ये भी दिखाने 3.5 मीटर का पूरा सूट तीरा है, बड़े बने का वो वधिया फ्राक बन जाती है बिना जोड़ तो। हाँ देखो आ हूँ आप कमर की कटिंग पाएंगे, देखो कमर आ गया। ठीक है, सो हूँ मैं दिखाई भी फ्राक कि बनी है कटिंग होकर, देखो जी ये एडा घेर बन जाना, कोई बल नहीं पाना, बिना बल तो बनाई है ये अपने फ्राक दिखाने। हम 18 इंच कमर चाहिए थी अपने, देखो 18.5 जा रही है, 1/2 इंच की अपनी उर सिलाई पैजूगी पूरा आऊगा। ठीक है, हूँ आप दसागे यदि बाडी की कटिंग, फ्राक की तो होगी, हो रहे तो कुछ नहीं करना,
हूँ आप बाडी की कटिंग दसागे तो बाजू की भी दसागे। लो जी हूँ आप कटते हैं जी बाडी। बाडी देखो आप कपड़ा ज्यादा वेस्ट नहीं करना, एक पला आप इतों ले लेंगे बाडी का, एक पला आप उधरों ले लेंगे क्योंकि रेब फ्राक कट्टन करके ना ये थोड़ा कपड़ा ये खराब हो जाता, आप वेस्ट नहीं जान देंगे। तो हम दस दें बिल्कुल सौखे तरीके नाले कपड़ा भी आप बचावे। देखो बाडी की लंबाई हैगी 13.5 इंच, 1.5 इंच आप मार्जन पावे, 15 इंच होगी लंबाई। लेंथ अपने ले ली 15 इंच, चौड़ाई अपने लैनी है साती के अकॉर्डिंग, साती उन्होंने हैगी 20 इंच, 20 इंच के 3 इंच मार्जन पाने, ठीक है। ये हो गया 23 इंच, ठीक है 23 इंच चौड़ाई, 23 इंच लंबाई हैगी है 15 इंच। अपना एक पला और आराम ना निकलता, देखो एक आप इतों कढ लाँगे, एक आप उधरों कढ लाँगे जिहड़ा अपना रेब कपड़ा लिखा हुआ है, कपड़ा अपना वेस्ट नहीं जाऊगा बिल्कुल भी। एक अपने ये पला कढ लिया, ये धर के देख लाँगे कितने बराबर आता है, ये बराबर का एक पला होर कढ लाँगे। देखो इतों तो नहीं बनना है, इतों घट गया 14 इंच रह गया, चेक कर लें एक बार। लो जी देखो अपने धर के देख लिया, इतने ठीक आ रहा है, एक जड़ा थोड़ा जहा घट है इतने आप काट पैजूगी मोडे की, नाले तो अपना कपड़ा नहीं वेस्ट होया, नाले सारी कटिंग हो गई बाडी की कटिंग हो गई। ये हो गई अपनी बाडी की कटिंग, हूँ आप काटा पावे, काटा पा के भी सू दसा भी काटा कि पैन की है, सारी कटिंग दसागे सुनो। लो जी हूँ आप दसते हैं बाडी की कटिंग, फ्राक का उपरला पार्ट, ठीक है सेम सेम ही निशाने लगनगे जिमें अपनी शर्ट दियाँ लगदिया ने। इन्हों का तीरा है जी 11 इंच, 11 का अद्ध हो गया 5.5 इंच, अद्धा इंच आप मार्जिन लवेंगे, 6 इंच तो तीरे की निशानी ला गई, 2.5 इंच तो अपने गले की ला ली, ठीक है 6 इंच तो यह लग गई। उस तो बाद आप लावे मोडे की, हाँ जी मोडे का आप लावे 7 इंच, ठीक है इतों जिनी ये लाई है 6 इंच इन्हू ये नाम ला देंगे 7 इंच, आप एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। इस तो बाद आपने देखनी उन्होंने छाती, छाती उन्होंने हैगी 19.5 इंच, 19.5 इंच हैगी। वैसे आप भी हिसाब न ही कटिंग करिए, आप एक बार उन्होंने पवा के चेक करेंगे, यह आप हम निशानी लावे 20 के हिसाब ना ही। देखो 20 का अद्धा छाती का अद्धा आ गया 10 इंच, 10 इंच अद्धा इंच अपने मार्जन लेना, ठीक है 10.5 इंच तो आप निशानी ला ली, ठीक है जी। इतों आप गुलाई पा देनी है, ठीक है तकरीबन 2.5-3 इंच तो गुलाई होनी चाहिए है, ये 1.5 इंच तो आप जी अंदरली पा देनी है मोरले पल्ले की काट। बिल्कुल सौखा जहा तरीका है ये। उस तो बाद आप लावे पलौइया के निशान, पलौइया उपरों उन्हों की है 10.25 इंच पर तैयार, आप लावे 11 इंच तो 1 इंच मार जा सवा कट तो पलौइया इन्हों है 10.25 तो तैयार, आप 11 इंच तो निशानी लावे 1.25 इंच का मार्जन उपरों सियाण का, ठीक है जी 11 इंच तो निशान ला लिया। फिर अपने इधरों बचालों देखना है पलौई कि है, सत्त है उन्होंने 3.5 हो गया, ठीक है अद। फिर ये पलौई की लंबाई, ये अद्धी लंबाई वो आऊगी पलौई की क्योंकि बाडी हैगी है ना,
ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੋਈ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈਗੀ ਤੀਗੀ 7 ਇੰਚ, 7 ਇੰਚ ਇਹ 4 ਇੰਚ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਸਿਉਣ 'ਚ ਵਗ ਜੂਗਾ, 3.5 ਇੰਚ ਦੀ ਪਲੋਈ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਲੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਵੀ 3.5 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਪਲੋਈ ਉਹ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੋਈ ਪੈ ਜੂ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੋਈ ਅੱਧੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਲੋਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ 2.5, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ 2.5 ਇੰਚ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੱਸ 'ਚੋਂ ਫਿਟਿੰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਇੰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਰ ਦੇ ਅੱਧ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ 2.5 ਇੰਚ 'ਤੇ, ਇਹ ਵੀ 2.5 ਇੰਚ 'ਤੇ ਲੱਗੂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। 2.5 ਇੰਚ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਈ ਆਪਣੇ 10 ਸਵਾ 10 'ਤੇ ਅਤੇ 11 ਇੰਚ 'ਤੇ 1.25 ਇੰਚ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਪਲੋਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਟੇਢੀ ਪਲੋਈ, ਆਹ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਪਲੋਈ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਕੱਸ ਵਾਲੀ ਪਲੋਈ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 4 ਪੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੂਹਰਲਾ ਗਲਾ ਜੜਨਾ ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੱਕ ਲਾ ਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂਹਰਲੇ ਪੱਲੇ ਦੀ ਕਾਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਹਰਲੇ ਪੱਲੇ ਦੀ ਕਾਟ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਲੋਈਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੱਕ ਲਾ ਲਏ 4 ਪੱਲਿਆਂ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਲੋਈ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟੱਕ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੂਹਰਲੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, 2 ਪੱਲੇ ਚੱਕੇ ਮੈਂ ਟੱਕ ਲਾ ਲਏ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਰ ਵਾਲੀ ਪਲੋਈ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਇੰਚ 'ਤੇ ਟੱਕ ਲਾ ਲਏ, ਦੋਨਾਂ ਪੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟੱਕ ਲਾ ਲਓ। ਸੋਰੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਰਾਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ 4 ਪੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਲੂੰਗੀ, 4 ਪੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਸੂਈ ਲੈ ਲਈ ਮੈਂ ਵੱਡੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਗਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ 2 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਸੀਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੀਚੇ ਵੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਲਵਾਂਗੇ 2 ਇੰਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਫਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਗਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਗਲੇ ਦੀ ਬੈਕ ਗਲਾ ਇਹ 5 ਇੰਚ ਦੀ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਲੈਤੀ ਹੈ 2 ਇੰਚ ਦੀ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਬੋਕਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡੂੰਘਾਈ ਪਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਗੁਲਾਈ ਪਾਤੀ। ਲਓ ਜੀ, ਐਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਪੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ 'ਤੇ ਗਲਾ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੂਹਰਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਗਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਾਂਹ ਦੀ ਕਟਾਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਂਹ ਨਾ ਬਸ ਕੂਹਣੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਰਿੱਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਬਾਂਹ ਹੈਗੀ ਤੀ 11.5 ਇੰਚ ਤਿਆਰ, ਆਪਾਂ ਨੇ 13 ਇੰਚ ਤਿਆਰ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਇਹ 1.5 ਇੰਚ ਮਾਰਜਨ ਲੈਤਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਿਲਾਈ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸਿਲਾਈ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਂਹ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਮੂਹਰੀ, ਬਾਂਹ ਦੀ ਮੂਹਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ 5.5, ਆਪਾਂ ਸੇ ਲਵਾਂਗੇ 1/2 ਇੰਚ ਮਾਰਜਨ। ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਰਿੱਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ।
ठीक है जी। इतों आप 2.5 इंच की पा लाँगे यदि काट, इनू धर के ये इंची टेप धर के इनू ये मिला देंगे। इतों आप गुलाई दे देंगे बांह दी, ठीक है। ये होगी बांह की काट। हूँ दो बाहों के मूरली काट पावे थोड़ी जी, हूँ ये मूहरे फ्रिल लगूगी। फिर तुम सिलाई करके दिखावे, ये फ्रिल ये ए लग जाने मूहरे अगे, ठीक है। ता करके बांह घट कट्टी है, अपने फ्रिल ला के 19 आ जाने, 6 इंच की अपने फ्रिल कट्टी है। फ्रिल की कोई एक्स्ट्रा बनावांगे वीडियो।